नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। आरा की एक लड़की जिसके साथ दुष्कर्म का मामला काफी ही चर्चित हो चुका है और उस पीड़िता ने दुष्कर्मी की नाम भी ले रही है, जिसको न्याय दिलाने के लिए महिला विकास मंच की महिला आज आरा व्यवहार न्यायालय आई और सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि भले ही सर पर मैं कफन बांध ली हूँ, लेकिन इस पीड़िता को न्याय अवश्य दिलाऊंगी। भोजपुर दर्शन की कैमरा टीम ने आरा व्यवहार न्यायालय में देखा कि यह पीड़ित महिला को, इस पीड़ित लड़की को न्याय के लिए ये सारे सदस्य एकजुट हुई है। सदस्यों का कहना है कि दुष्कर्मी भले ही ताकतवर हो, लेकिन उसे जरूर सजा मिलेगी। सर पर कफन बांध कर आई हूँ इस बच्ची को न्याय दिलाने। उक्त बातें पटना से आई हुई महिला विकास मंच के सदस्यों ने कही। यह अवसर था जब सेक्स रैकेट कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आरा व्यवहार न्यायालय में 164 की बयान देने के दौरान महिला विकास मंच के सदस्यों ने कही। जैसा कि आपको पता होगा कि आरा की एक रहने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला काफी ही चर्चित हो चुका है। इसको लेकर काफी ही पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इस महिला विकास मंच की सभी सदस्यों ने आरा की दौरा किया, जहां पर व्यवहार न्यायालय में इसकी जांच पड़ताल जारी है। महिला विकास मंच के सदस्यों ने कहा कि दुष्कर्मी भले कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसे सजा दिलाकर ही रहूंगी।